प्लीज डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, गेट द नोटिफिकेशन। जय हिंद, आप सभी को सत सत नमन। सो इस वीडियो में हम लोग कैंसर के बारे में सामान्य जानकारी देने का प्रयास करेंगे और उसके कारण पर विशेष चर्चा करेंगे। क्या उनके कारण पर विशेष चर्चा करेंगे? क्या कैंसर? विश्व में ये दूसरा रोग है जिसको जो सबसे अधिक व्यक्तियों को मारता है। क्या कैंसर में स्पेशली होता क्या है, देखते हैं। ये मान लेते हैं कोई व्यक्ति है। क्या ये कोई व्यक्ति है? अब इस व्यक्ति को सपोज दैट इसके टांग में, इसके टांग को हम यहां पर बनाते हैं, ये इसकी टांग हो गई। इसके टांग में कुछ चोट लग गया, कहां पर? यहां पर चोट लग गया, ठीक है। अब यहां पर चोट लग गया तो यहां का जो मांस है, यहां का जो ऊपर का खाल है, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? और फिर क्या हुआ? अब नई क्या आएगी? नई खाल आएगी और वो जो घाव हुआ है वो घाव भरेगा। क्या घाव भरेगा? ठीक है, नई खाल आने लगी और घाव भरने लगा। नई खाल आ गई और घाव भर गया, फिर भी जो वहां पर खाल बढ़ने की प्रक्रिया, क्या यहां पर खाल जो है वो लगातार बढ़ती रही, खाल बढ़ती रही और यहां पर मांस भी बढ़ता रहा। यानी हमें मांस कितना बढ़ना चाहिए था? बढ़ना चाहिए जितना घाव हुआ था, लेकिन और बढ़ता रहा। तो यही जो बढ़ा, इसी को क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। क्या इसी को बोलते हैं? कैंसर। जैसे देखिए, कभी आपका जैसे सपोज हाथ कट गया हमारा, यहाँ का मांस और खाल गायब हो गई। अब वो मांस और खाल पुनः आएगी, उतना मांस खाल आ गया जितना जरूरत थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी यहाँ पर मांस बढ़ता गया, मांस बढ़ता गया, ठीक है। तो यही जो मांस बढ़ रहा है एक्स्ट्रा, इसी को कैंसर बोलते हैं। क्या इसी को कैंसर बोलते हैं? जैसे कभी आप देखेंगे कि शरीर में कोई भी पार्ट होगा तो कोई भी पार्ट में ऐसे आपको गांठ मिल जाएगी। क्या ऐसे आपको गांठ मिल जाएगी? क्या गांठ मिल जाएगी? अभी जो गांठ इस तरह आ गई, इसी को बोलते हैं कैंसर। क्या इस तरह गांठ आ गई, इसी को बोलते हैं कैंसर। जैसे आप अपनी जीभ में देखिए, जीभ है, जीभ में अगर थोड़ा कट फिट गया तो जीभ में कुछ जितनी कोशिका आनी चाहिए उतना आ गया, जितना मांस आना चाहिए उतना आ गया, लेकिन उसके बाद भी जीभ पर मांस चढ़ने लगता है। तो एक्स्ट्रा जो मांस चढ़ता है उसी को बोलते हैं क्या? कैंसर। क्या उसी को बोलते हैं कैंसर। और कैंसर सबसे दर्दनाक, क्या सबसे दर्दनाक कह सकते हैं रोग है। कैंसर होने के बाद इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अब अगर इसको हम दूसरी भाषा में कहें, क्या दूसरी भाषा में कहें, यानी कि एक कोशिका है, अब एक कोशिका को विभाजित होना चाहिए दो, दो को चार, चार को छह, चार को आठ, ऐसे विभाजित हो रही है, ठीक है। तो यहां पर जो मांस कटा था वहीं पर क्या कोशिका विभाजित होकर उसको फुल कर दिया, उस मांस को क्या पर वहां फिर से ला दिया, लेकिन उसके बाद भी एक कोशिका क्या रुकी नहीं और विभाजन होती रही। तो ये जो अनियंत्रित विभाजन है कोशिका का, यही कहते हैं कैंसर। अब कैंसर के हम लोग कारण को देखते हैं। कैंसर के अगर प्रमुख कारण जो है वो तंबाकू है। क्या? तंबाकू। और तंबाकू के साथ साथ तंबाकू से संबंधित जितने भी क्या इसमें प्रोडक्ट आते हैं, तंबाकू के साथ साथ सारे प्रोडक्ट इसमें आएंगे। अब तंबाकू का जैसे सिगरेट हो गया, सिगरेट हो गया, सिगरेट से भी क्या कैंसर होता है। और क्या हो गया? सिगार ये बोलते हैं, क्या सिगार बोलते हैं, वो भी हो गया। हुक्का, क्या हुक्का, हुक्का जानते हैं गांव में हुक्का। यानी तंबाकू से जितना प्रोडक्ट है वो सभी क्या है कैंसर को बढ़ावा देने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाते हैं। 50% कैंसर जो है इसी से होता है, 50% कैंसर इसी से होता है। अब अगर 50% कैंसर तंबाकू से होता है तो क्या तंबाकू को हमें छोड़ना नहीं चाहिए? बिल्कुल छोड़ना चाहिए। क्या? बिल्कुल छोड़ना चाहिए। अब देखिए यहां पर, क्या तंबाकू के बारे में देखिए,
आप तंबाकू खाते हैं या क्या आप तंबाकू खाते हैं या उसे खाते मिलाकर खाते हैं या आप उसको सिगरेट में लेकर पीते हैं, सारी बात हो रही है यहाँ पर। अब जैसे अगर आप तंबाकू खाते हैं या तंबाकू को आपने सिगरेट के रूप में पिया, तो सिगरेट के रूप में जब आप पीते हैं तो उसमें कम से कम 1000 केमिकल, क्या 1000 केमिकल बनता है। अब केमिकल जानते हैं कितना नुकसान होता है, 1000 केमिकल बनता है। इस 1000 केमिकल में केवल 70 केमिकल हैं जो कह सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि ये इतने खतरनाक है, और जितने केमिकल हैं उनके बारे में अधिकांश रूप से पता ही नहीं है कि कितने वो खतरनाक हैं। 70 तो की स्पष्ट जानकारी है कि बहुत, क्या बहुत ज्यादा कैंसर फैलाते हैं, क्या बहुत ज्यादा कैंसर फैलाते हैं, और जो है और वो क्या करते होंगे उसकी बात ही मत करिए। अभी रिसर्च और एक एक पॉइंट पर हो तो तंबाकू क्या हो जाएगा, जो 50% है ये 60-70% हो जाएगा, क्या 60-70% हो जाएगा। अब ये जो केमिकल है इसमें कुछ केमिकल की हम लोग बात करते हैं, क्या कुछ केमिकल की बात करते हैं। पीने के बाद एक केमिकल निकलेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड के बारे में आप जानते ही हैं क्या। साइनाइड को जीभ पर रख लो तुरंत आपकी मौत। अब उससे निर्मित कोई पदार्थ आप खा रहे हैं तो क्या होगी, मौत को आप क्या कर रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं, क्या मौत को बुलावा दे रहे हैं। दूसरा, रेडियो एक्टिव पदार्थ, अब रेडियो क्या, रेडियो एक्टिव पदार्थ ये आप जब पीते हैं इसको, तंबाकू को सिगरेट के दौरान पीते हैं, तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ भी निकलती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ करती क्या है आप जानते हैं, ये अगर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है ठीक है, तो इससे कुछ किरणें निकलती रहती हैं हर समय, क्या कुछ किरणें निकलती रहती हैं, और ये किरणें कितनी खतरनाक होती हैं, आपके डीएनए क्या, आपके डीएनए तक को क्या कर सकती हैं, नुकसान कर सकती हैं। यानी आपको तो नुकसान करेंगी ही नहीं, करेंगी आपके डीएनए को नुकसान करेंगी, यानी कि डीएनए के आपको, आपके डीएनए को अगर नुकसान कर दिया तो क्या होगा, आपके आने वाली जो पीढ़ियां हैं, क्या आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका भी क्या हो रहा है, सर्वनाश हो रहा है। किसी, कोई लूला होगा, कोई लंगड़ा होगा, कोई दिमाग ही उसका नहीं होगा। तो ऐसे अगर आप ऐसा चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी ऐसा रहें तो आप पीते रहिए, अगर चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आप इसको जितना जल्दी चाहे उतना जल्दी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अगला, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो तंबाकू के दौरान निकलता है, आप तंबाकू जब पीते हैं ये जब निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड आप में जब ज्यादा हो गया ना, तो जो आपका ब्लड है, क्या जो ब्लड है, ब्लड में एक तत्व पाया जाता है होमोग्लोबिन, क्या होमोग्लोबिन, तो वो होमोग्लोबिन के साथ जाकर क्या कर लेता है, मिल जाता है, दोस्ती कर लेता है, और होमोग्लोबिन के साथ सब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, क्या ऑक्सीजन तो नहीं मिल पाता। जब ऑक्सीजन होमोग्लोबिन को नहीं मिलेगा तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, और शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। इसमें देख रहे हैं अब कितना कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी बढ़ रही, जो जितना ज्यादा तंबाकू का सेवन करता है उसे उतनी ही ऑक्सीजन की जरूरत आज पड़ रही है। कुल मिला के कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आप क्या करें, जितना जल्दी हो सके तंबाकू से संबंधित सारे प्रोडक्ट आप खाना बंद कर दें, और नशा कोई ना करे तो बहुत अच्छा है। अब ये तो मैंने आपको साधारण सी बात बताई, अब थोड़ा इस पर क्या हो जाए, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, जिससे कैंसर के बारे में सामान्य को, ये तो सामान्य जानकारी हो गई कि आप लोग जल्दी इसे छोड़ें। कैंसर को अगर हम डिवाइड करना चाहें तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्या दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैंसर है जिसको बोलते हैं बिनाइन, क्या बिनाइन, ठीक है, ये पहला टाइप है कैंसर का। बिनाइन जो कैंसर होता है वो अपने स्थान पर ही रहता है, क्या बिनाइन जो कैंसर होता है वो अपने स्थान पर ही रहता है, दूसरे स्थान पर नहीं जाता, ठीक है। और दूसरा जो कैंसर है उसको बोलते हैं मलिग्नेंट, क्या मलिग्नेंट, ये जो कैंसर है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ये एक अगर अंग में हुआ है तो दूसरे अंग में जाके
जाकर वहाँ भी उसको कहेगा तू भी इसको रख और दोनों खेले खाएं, तो दूसरे अंग को भी प्रभावित करता है, लेकिन बिनाइन जो है वो दूसरे अंग को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, अब ये फैलने के आधार हो गया कि रोग कैंसर कैसे फैलता है एक अंग से दूसरे अंग में, उसके आधार पर ये तो हो गए। अगर हम और आधार लें, क्या और आधार लें, जैसे कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पर शुरू हो रहा है, इसको अगर आधार लें तो एक कैंसर का पहला जो प्रकार है उसको बोलते हैं कार्सिनोमा। क्या? कार्सिनोमा, पहला कार्सिनोमा, कार्सिनोमा। आप जिसमें भी ओमा लगा रहेगा वो जान लो कैंसर से संबंधित है, कहीं भी आपको ओमा लगा मिल जाए तो जान लो वो कैंसर से संबंधित है। ठीक है, कार्सिनोमा ये स्किन में स्पेशली स्किन से शुरू होता है। क्या? स्किन से स्पेशली शुरू होता है ये। क्या? स्किन से शुरू होगा और धीरे धीरे ये क्या अन्य अंगों में पहुंच जाएगा, अन्य अंगों में। ठीक है, तो कार्सिनोमा, ठीक है, पहला। दूसरा जो है उसको बोलते हैं सार्कोमा। क्या? दूसरा जो है उसको बोलते हैं सार्कोमा, आप देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं कार्सोमा। अब ये जो है ये कहा, ये स्पेशली संयोजी ऊतक जो है, क्या संयोजी ऊतक, या हाँ संयोजी ऊतक में, स्पेशली संयोजी ऊतक में, संयोजी ऊतक बोन में, कार्टिलेज में, यहां पर ये स्पेशली कौन सा कैंसर होता है, सार्कोमा कैंसर होता है। क्या? सार्कोमा होता है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं रक्त वाहिकाएं, वाहिकाएं। ठीक है, तीसरा, तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। क्या? ल्यूकेमिया। क्या? ल्यूकेमिया ये कहां होता है, ये रक्त कैंसर है। क्या? रक्त कैंसर है। क्या? ये रक्त कैंसर है। जब आप में जो WBC रक्त है, क्या जो WBC कोशिका है, ये खुद को इतना अधिक विभाजित करने लगती है, इतना अधिक विभाजित करने लगती है कि क्या होता है, आपका डेथ हो जाता है। तो अगला जो है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उसको बोलते हैं लिम्फोमा। क्या? लिम्फोमा, लिम्फोमा, लिम्फोमा। अब ये क्या लिम्फोमा, लिम्फोमा में क्या होता है स्पेशली WBC। क्या? WBC जो है, क्या WBC। अब WBC में सेल पाई जाती है टी सेल। क्या? टी सेल। तो टी सेल क्या करती हैं, अब ये टी सेल जो हैं ये जो बाहर से आने वाले पैथोजन हैं उनको नहीं मारती, वो अच्छे अच्छे यानी कि स्वस्थ जो कोशिकाएं हैं उनको मारना शुरू कर देती हैं। क्या? अपने ही भाई को मारना शुरू कर देती हैं और जिससे क्या कैंसर बढ़ता है और मिट होती है। तो ये आप कह सकते हैं ये कैंसर, जहाँ अंगों को विशेष रूप से कह सकते हैं क्या अंगों को विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और इन ये किस तरह फैलते हैं उसके आधार पर इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। तो ऐसे आप कैंसर को 4-5-6 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। कैंसर का स्टेज भी होता है। क्या? कैंसर का स्टेज, क्या स्टेज भी होता है। तो पहला जो स्टेज है ना उसमें जहाँ पर कैंसर हुआ है वहीं पर रहेगा। क्या? दूसरा, पहला जो है जहाँ पर हुआ है वहीं पर रहेगा। ठीक है, अब दूसरे स्टेज में, दूसरा तीसरा जो स्टेज होता है उस अगल बगल के क्या करेगा, अगल बगल के पूरे भाग को ले लेगा। क्या? पूरे भाग को ले लेगा। अगर यहाँ पर कैंसर हुआ है तो पूरा भाग ले लिया। क्या? पूरा भाग ले लिया। और स्टेज फोर में क्या होता है कि अब एक अंग से दूसरे अंग में जाने लगा। कौन कौन सा इसका इलाज है, पहला इलाज क्या है, पहला इलाज ये है कि जहाँ पर गांठ बढ़ी, क्या जहाँ पर गांठ बढ़ी उसको क्या कर दें, सर्जरी कर दें, उसको निकाल दें, सबसे सरल इलाज है। अगर पहले ही आप जान जाते हैं आपको कहीं गांठ बढ़ी दिखती है तो उसका तुरंत सर्जरी कराइए, तुरंत उसको निकलवाइए। ठीक, पहला काम ये। जब आप अगर नहीं जान पाए, क्या नहीं जान पाए जैसे, तो क्या होगा, तब आपको कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, रेडिएशन पहले, कीमोथेरेपी नहीं, रेडिएशन, रेडिएशन थेरेपी करनी पड़ेगी। ये अवश्य नहीं कि रेडिएशन थेरेपी से सही हो जाए। इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो कोशिकाएं बढ़ी हैं, जो मास बढ़ गया उस मास को धीरे धीरे मारा जाता है। क्या? धीरे धीरे मारा जाता है। तीसरा क्या है, कीमोथेरेपी। क्या?
कीमोथेरेपी में दवा चलती है क्या? कीमोथेरेपी में दवा चलती है और उसके द्वारा धीरे धीरे सही होता है। एक शब्द और आता है इसको आपको ध्यान रखना है, बायोप्सी। क्या बायोप्सी? मुझे याद आता है बायोप्सी क्या है, एग्जाम में कभी एक क्वेश्चन आया है। तो बायोप्सी क्या होता है? परीक्षण होता है कैंसर को पता लगाने का। क्या? कैंसर को पता लगाने का। सो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों से विशेष आग्रह है कि अगर आप जो किसी भी नशा का सेवन करते हैं तो उसको तुरंत बंद करिए, और स्पेशली तंबाकू। क्या? तंबाकू के जो प्रोडक्ट हैं उनको तुरंत बंद करिए। आप अच्छी लाइफ जीजिए, आप जिए अपने लाइफ को बिल्कुल क्या आनंदमय होकर जिए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन, गेट द नोटिफिकेशन।